ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट और कोर्ट के बीच वकीलों के अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। इस बीच आम जनता को भी परेशान होना पड़ा। इतना ही नहीं, वकीलों ने चक्का जाम के दौरान किसी को भी वहां से निकलने नहीं दिया। तभी पटवारी इसी जाम के बीच से निकल रहा था, जिस पर बहस के बाद मारपीट हुई है। पटवारी पवन नरवरिया ने 4 नामजद और 3 अन्य वकीलों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विश्वविद्यालय पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। जी, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कलेक्ट्रेट रोड है वहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति कल बनी थी, जिसमें एक पक्ष की कुछ मांगे थी, कुछ ग्रीवांस थे जिनके विषय में वो बातचीत करना चाहते थे। इसी दौरान वहाँ पर आम जनता भी काफ़ी इकट्ठा हो गई थी और दो पक्षों में विवाद की स्थिति बनी, मारपीट की स्थिति बनी, जिसमें फिर कुछ लोग थाने आए और उनकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की। जी, अभी वीडियो की तस्दीक की जा रही है कि उसमें कितनी सत्यता है, और जो पटवारी हैं उनकी तरफ से ये FIR दर्ज की गई थी। इसमें कुछ लोगों को वो पहचानते भी हैं, उन्होंने नाम, कुछ 4 लोगों के नाम भी बताए हैं और उन पर FIR हुई। कितने वकीलों पर FIR हुई? वकीलों पर तो नहीं, लेकिन जिन्होंने पटवारी से मारपीट की थी और पटवारी जिनको जानते थे, उनके नाम जिनको पता थे, उन 4 लोगों पर हुई है। बाकी कुछ ऐसे लोग थे जिनको वो नहीं जानते थे, तो उनकी अज्ञात में FIR।